80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, 500 वर्ड स्टार्ट। किसी त्यौहार को मनाने के लिए स्वच्छ मन का होना बहुत जरूरी है। संबंधों में जब भी हम दर्द में होते हैं तो प्यार और स्नेह की ऊर्जा का बहाव नहीं होता है। हम आपस में मिल सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को ऊर्जा कौन सी दी? भाई बहन के मधुर संबंधों का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्यौहार। यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यह नाजुक धागों से बंधा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे संस्कार बदलते गए। बहन बोलती है, मेरा भाई बदल गया है, अब भाई की शादी हो गई, उनके कार्मिक अकाउंट्स में जो नई आत्मा आई, चाहे वो उनकी पत्नी उनके बच्चे हैं, तो उनके भी संस्कारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया। वे जैसे 10 या 20 साल की उम्र में थे, अब वैसे नहीं रहेंगे। आज वे 40 साल के हैं तो उनके संस्कार बदल गए। हम तो बहुत सहजता से कह देते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन बदल गई है। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के लिए कोई गलत सोच नहीं होती है। पवित्र संबंध का मतलब मेरी आत्मा दूसरी आत्मा के लिए गलत नहीं सोच सकती। रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो सबसे अच्छा गिफ्ट हम एक दूसरे को देंगे वो है शुभ भावनाओं का आशीर्वाद। यह उस धागे की बात ही नहीं है, यह तो उस धागे के प्यार, पवित्रता और रक्षा की बात है। अब आज के वक्त में यह महसूस करना है कि रक्षा किससे करनी है और रक्षा का बंधन क्या है, इसको समझना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि रिश्तों के मायने बदल गए हैं। हम पहले देखते थे कि हर घर में पूजा हवन होता था, तो उसके बाद पंडित जी एक धागा बांधते थे। कई बार तो उस धागे को हम लंबे समय तक पहने रहते थे। हम जब पूजा में बैठते हैं तो हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, अपने अंदर की दिव्यता जगाते हैं। जब पंडित जी कहते हैं कि देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे, मतलब हमारी अपनी दिव्यता ही हमारी रक्षा करेगी। जब पंडित जी धागा बांधते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आज ये प्रतिज्ञा की। धागा बांधकर कहते हैं, ये धागा आपकी रक्षा करेगा, धागे में शक्ति है। धागा बांधकर हम याद रखेंगे
कि मैं इस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में लक्ष्मण ने एक लकीर खींची, वह लकीर रक्षा करने वाली नहीं थी, लेकिन जैसे ही मर्यादा की लकीर को पार किया तो रावण ने पकड़ लिया। मतलब जैसे ही मैंने अपनी मर्यादा को तोड़ा, मेरे अंदर का रावण मेरे अंदर ही नकारात्मकता ने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। हमें यही समझना होता है कि जब हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं उसमें हमारी अपनी रक्षा समाई होती है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, अपने साथ रक्षा के बंधन में।